इस तरह की चर्चा करते हैं कि इस बार हमारे साथ है एक कुछ क्रिकेट तो है कुछ उसके अलावा भी हमारे साथ कुछ है जो हमें लेके जा रहा है और कितना उसकी बारे में बात होती है और कितना उसका रिस्क होता है कि क्रिकेट के बारे में बात करना कम हो जाएगा हमारा बिलीव ही यही है कि हम अल्लाह पे बिलीव करते हैं और जो कुछ होता है अल्लाह के तरफ से होता है और अल्लाह हमें अपॉर्चुनिटी देता है लेकिन हमारे हाथ में एफर्ट है एफर्ट हम करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट दें रिजल्ट अल्लाह के हाथ में और बिल्कुल जिस तरह ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है अल्लाह ने दी है लेकिन हमने ग्रैब किया है और हमने जो उसके बाद क्रिकेट खेली है जो हमें एक आ, मौका मिला हमने ग्रैब किया और उसको हमने एक, आ, अच्छे तरीके से चीजों को यू, यूटिलाइज किया और मैचेस खेले आ, बिल्कुल इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें फाइनल में पहुंचाया और इनशाला फाइनल भी अल्लाह यकीन तो हमारा सर हर बार ही होता है ज्यादा ही होता है हर बार बारकोर्स जब आपके चेयरमैन आते हैं और आपको कॉन्फिडेंस देते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस एज ए टीम काफी बढ़ता है और जिस चेयरमैन आए थे उन्होंने हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो 92 वर्ल्ड कप में था और उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि सिर्फ बिलीव रखो और रिलैक्स हो के अपनी क्रिकेट खेलो और उससे हमें काफी कॉन्फिडेंस मिला और इनशाला कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट बिल्कुल होती है लेकिन अभी फो, का बारिश की वजह से ना हो तो वो डिस होगा <coughs> लेकिन हमारा बिलीव ये है कि जितना मैच हो उसमें हम जो भी हमारी स्ट्रेंथ है जो भी हमारे प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट करें आ, लेकिन एज ए कप्तान मैं ये चाहूंगा पूरा मैच हो और आपके चेहरे से अभी बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है और पांच जो ग्रुप स्टेज के मैच थे उसमें रन्स नहीं हो रहे थे बड़े मैच में स्कोर हुआ कितने रिलैक्स हुए मेंटली तौर पर इस हवाले से और दूसरा हारिस जो है वो कितना कारगर साबित हुआ है पाकिस्तान टीम के लिए नीचे से उससे कितना हौसला मिला कि फखर इंजरी का शिकार हुआ और हारिस आया उसने परफॉरमेंस दी ऑफ एज अ कप्तान आप जब uh... परफॉर्म नहीं होता तो टीम आप पे रिलाई करती है तो, तो थोड़ा सा आप प्रेशर आता है आ, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह अः यहाँ पे मैं क्रेडिट दे सकता हूँ मिडिल ऑर्डर ने स्टेप अप किया क्योंकि पहले ये बात हो रही थी कि हमारा मिडिल ऑर्डर मिडिल ऑर्डर लेकिन मुझे एक बात की खुशी भी थी कि इस वर्ल्ड कप में पूरा मिडिल ऑर्डर ने अः रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अनफॉर्चुनेटली हमारे मे वहां से नहीं हुआ लेकिन जिस तरह इफ्तार खेला शदाब खेला और उसके बाद आपने हारिस की बात की बिल्कुल आ, जिस तरह वो यंगस्टर यंग सर, आ, लग नहीं रहा कि वो पहला टूर्नामेंट खेल रहा इतना बड़ा इवेंट खेल रहा ICC का टी तो एक गुड साइन है हमारे लिए एज अ टीम टीम और बिलीव होता है कि आ, जब जो जिस टीम को आप बैक कर रहे हैं वो, आ, वो आपको रिस्पॉन्स कर रही है तो इससे एज अ कप्तान मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिलता है और बिल्कुल आ, जब आप इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है तो ये अप एंड डाउन चलते हैं क्रिकेट में लेकिन आ, बिलीव मेरा वहीं पे था और आ, मेरे ख्याल से जिस तरह टीम ने रिस्पॉन्स किया और बैक किया थ्रू आउट टूर्नामेंट में और स्टेप अप किया तो ये एक अच्छी टीम की निशानी है।